स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे 2022 का। 2022 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे 2024 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आगे देखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, शुरू कीजिएगा। पहला कि पाइरोलिजिनियस एसिड कंटेंस, सीधा याद पर रखना पड़ेगा 10% एसिटिक एसिड। दूसरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, इसे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, थ्री डिग्री कार्बन है, थ्री डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। क्या बोलेंगे गाइज? टर्शियरी अमाइन। इसमें है सवाल नंबर थर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें टू डिग्री अमाइन होता है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पांचवी नंबर सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस टू गेट ए सेकेंडरी अमाइन। किस रिएक्शन के रिडक्शन से सेकेंडरी अमाइन बनता है? तो वह सी, कार्बाइल अमाइन। कौन हो जाएगा इस? कार्बाइल अमाइन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, केन सुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिक्स का भी सी है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। केन सुगर जब टूटता है, यानी सी 12 एच 22 ओ 11, जब आपका हाइड्रोलाइज कराते हैं तो बनता है सी 6 एच 12 ओ 6 प्लस, फिर से यही सी 6 एच 12 ओ 6 ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट सात नंबर, इंजाइम सार, इंजाइम क्या है? इंजाइम प्रोटीन होता है। सवाल नंबर आठ, आठवीं नंबर सवाल आप देखिएगा गाइज, व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू डायल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ AgSO4 द कंपाउंड फॉर्म इज, द कंपाउंड फॉर्म इज, आठवीं का सी हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इज? एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ पे चलिए, द रिएक्शन RC(OCl+H2) ये भी एक रिडक्शन ही है, लेकिन इसका नाम क्या होगा रिडक्शन का? तो आप नौ नंबर सवाल में देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोजनमुंड रिएक्शन। काफ़ी अच्छे से जैसे इसका रिएक्शन होता है, एच हम यहाँ पे एक दे देते हैं, यहाँ पे एक एच सी एल को निकाल लेते हैं और आर सी एच ओ बन जाता है गाइज। बोला विच द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? जिसके पास अल्फा एच नहीं हो। तो इसमें अल्फा एच इसके पास नहीं होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो अल्फा एच नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा है कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ NH3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? COOR। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा गाइज सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश्ड, कौन से मेथड से
फॉर्मिक एसिड को और फॉर्मल्डिहाइड को अलग किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि दोनों एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक फॉर्मिक एसिड है। तो इसके लिए हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन आर सी डबल ओ ए जी प्लस बी आर टू सी सी एल फोर से रिएक्शन कराएंगे तो आर बी आर बनेगा, तो कौन सा रिएक्शन है? तो ये हंस डिकर रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन याद रखिए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो भाई मैक्सिमम पिछले लेक्चर में हम बताए थे मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो आराम से क्या करो कि तुम वाटर फैक्टर निकालो, आई निकालो। जब आई निकालोगे तो तुम्हारा इसमें तीन आ जाएगा, ठीक है, इसमें दो आएगा, ये दोनों ब्रेक होगा ही नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा। एक फराडे जो है किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है, ठीक, 96,500 कूलम। 16 का डी। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज। क्या आता है जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। नेक्स्ट 18, द स्टैंडर्ड, एक मिनट गाइस, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवेन एट इतना, ठीक है, द ईएमएफ ऑफ द गिवेन सेल। अभी निकालना है, निकालने के बाद इसका डी आ जाएगा, ठीक। इनोड सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है, निकालते रहिएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। 19 का आंसर हो जाएगा गाइस बी सेकेंडरी सेल, ये सब याद करना है डायरेक्ट। 20, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, मे इंक्रीज और डिक्रीज बोथ, और लास्ट है रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ टाइम। तो गाइज जब रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे कि रेट तो अभी हम लोग सवाल 20 पर थे, तो इसका आंसर डिक्रीजेज विथ टाइम हो जाएगा गाइज, ठीक है। 21 में सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, जैसे कि इसमें कंसेप्ट भी छिपा हुआ आपको बता रहे हैं, बड़ा कौन फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। ये आपको लगेगा कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, और इसलिए बड़ा कौन नहीं होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 22, विटामिन सी इज, विटामिन सी इज स्कॉर्बिक एसिड, 19th का सवाल है जो रटना पड़ेगा। देखिए 2022 में काफ़ी रटने वाला सवाल है, इसलिए हम आपको ध्यान से बोल रहे हैं देखने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस कोबाल्ट, किसमें कोबाल्ट होता है? 23 में, डी में, विटामिन B12, इसमें आपका कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। 24 में, 24 का सी हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये पिछले लेक्चर में भी था जो आपको याद करना पड़ेगा। अभी तक 24 सवाल में एक दो सवाल ही था जो बनने वाला था, नहीं तो सब रटने वाला है। 25, विच CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज ए मोनोमर विच ऑफ द फॉलोइंग। 25 में देखिएगा, ए टेफ्लॉन, याद करना पड़ेगा भाई, हमको भी याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, सिंपल। क्लोरोक्वीन इज एन, क्लोरोक्वीन इज एन। 26 का, एंटी मलेरियल, पिछले लेक्चर में भी था और बार बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसका सी हो जाएगा, पेनिसिलिन।
फेनिसलिन 28 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सन 28 का बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सन। गाइज ये याद करने वाले सवालों को आपको याद करना ही पड़ेगा। 28 का हो जाएगा सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑल लिगेंड्स आर, सभी लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पे डोनेट करते हैं, जैसे कि एनआई NH3 का होल 4 2+। तो क्या है इसमें, चार को लिगेंड है, तो लिगेंड क्या है, लोन पे डोनर, लोन पे डोनर, लोन पे जब डोनेट करेगा तो चार लिगेंड लोन पे डोनेट करेगा, तो डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरा मैग्नेटिक। देखिए पैरा मैग्नेटिक होने के लिए प्रॉबेबली DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है, तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, सॉरी SP3 होना जरूरी है, SP3 होना जरूरी है क्योंकि चारों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा मैग्नेटिक, तो भाई इसका नहीं होगा, ये तो डायमैग्नेटिक होता है, इसका भी नहीं होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा NiCl4 पे 2- हो जाएगा, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालिएगा तो आपका SP3 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का आर्गन 3d8 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का जो पेराइज नहीं कर पाएगा और इसका SP3 हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है गाइज, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा 30 में। अब आइए 31, मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच बायोमोलिक्यूल। 31 का ए हीमोग्लोबिन। 32, द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्रोमियम में 3+ है, निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाइए, 32 में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, Mn पे 7+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो Mn पे 7+ हो जाएगा और 4s2 3d5, हाँ इसमें नहीं होगा, ठीक है 32 के ए। 33 में आइए गाइज, बोला है कि कौन ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है, 33 में बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले कि इस नीचे से शुरू करते हैं, NiCl4 हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सही है, ऑक्टाहेड्रल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सही है, ये स्क्वायर प्लेनर होगा, डायमैग्नेटिक होगा, सही है, ये यहाँ पे ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन ए। ये वाला सवाल हम पिछले वाले भी लेक्चर में भी कराए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इन फायर एक्सटिंग्विशर। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा गाइज आपका ए, सीधे कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद करना है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH क्या देगा, तो एल्कोहलिक KOH गाइज क्या देता है आपका, इलिमिनेशन रिएक्शन देता है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक, सॉरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH क्या देगा आपका, तो अगर इस पे होगा तो एल्कोहल देगा, लेकिन मोनोहैलोजन यहाँ पे होगा CH3CH2X तो अल्कीन दे देगा, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या देगा गाई, अल्कीन देगा। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसेंट्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। 36 में, 36 का हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सी। 37 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाई प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 37 का हो जाएगा आपका डी आयरन। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाई हुप्स प्रोसेस। 38 में बताइए, याद नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं है गाइज, बी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। 39 का
बी हो जाएगा गाइज हीलियम। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, सिर्फ एक ऑक्सी एसिड कौन बनाएगा, तो फ्लोरीन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एस एट 41 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एस एट में जब सेम लिंकेज का कोई भी एलिमेंट हो, इसका हालांकि क्राउन स्ट्रक्चर बनता है, तो ई क्या हो जाएगा आपका, एस एस ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर है गाइज, तो इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वोलाटाइल, 42 का डी, H2O लिस्ट वोलाटाइल है, वोलाटाइल है लेकिन लिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोथ हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, गाइज कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बनाइए। ये H2SO4 में 6 है, इसका रिडक्शन होगा तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा SO2, जिससे कि 2, 4, 6 सल्फर का मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। अगर 4 आ रहा है तो 2 की तरफ भी जा सकता है, 6 की तरफ भी जा सकता है, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों होगा गाइज। 43 का सी हो जाएगा। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर, तो NO2 हो जाएगा इसका कलर। 45 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन 45 का बी हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब आते हैं 46 में। 46 बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MN लोवेस्ट, निकालिए गाइज। MN का इसमें +2 होगा, इसमें +4 होगा, इसमें 8 by 3 हो जाएगा, यानी कि 2.7 के पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा। 46 का ये हो जाएगा। ठीक है, 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स, 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स, 47 का डी हो जाएगा, टर्बियम। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, कौन कलरलेस होगा, देख लीजिए इसमें डी अनपेयर्ड नहीं होगा, कलरलेस होगा, तो 4S13D 10, 49 का गाइज एक सेकेंड, 49 का गाइज सी हो जाएगा। आर्गन 4S2 3D1, सॉरी 48 में है ना, 48 का ये हो जाएगा कलरलेस वाला। ठीक, टाइम ड्यूरेशन चल रहा है,